नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। जम्मू कश्मीर के जस्टिस फॉर ऑल अभियान के तहत आज उपजिला बसोनी के गांव पठारा में लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन ट्रेनर लॉयर करतार सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पैरा लीगल वॉलंटियर आकिब वसीम, नौशाद, हरीश तामैनिया व कुलवंत सिंह भी मौजूद थे। इस कैंप में रिटेनर लायर करतार सिंह ने लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी व लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। पेश है इस संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। ऐसा हो रहा था कि लोगों की इंसाफ नहीं मिल रहा था, पैसे की बिना पर गरीबी की बिना पर गरीबी की वजह करना वो वकील नहीं कर सकते ना, किस वास्ते उनकी इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर सरकार ने एक कानून चलाया, स्कीम चलाई, उसी स्कीम की स्कीम आते फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब है कि तुम्हें तो कानूनी सहायता देनी मुफ्त फ्री। असं इतने आ गए, असं आ गए तो कानूनी सहायता देने फ्री, कानूनी गाइडेंस देने, कानूनी सलाह देने। और इहदे कन्नै तुसीं कि कोई कोर्ट का कोई कोर्ट के कुछ मुकदमा पेंडिंग है, केस है या कुछ ने केस करना तो थोड़े दो वकील गौरमेंट ने बसोली तहसील के फ्री रख देना। उनका एक मिनी है, एक वकील और भी है, वो तुम उस वेले भी उन्हें वकीलें की कंसल्ट कर सकते हो। उनसे पूछ सकते हो कि साढ़े ही थोड़ी असली प्रॉब्लम है वो तुम हल कर दी, कानूनी प्रॉब्लम जी है वो तुम सारी मदद ले सकते हो। कन्ने कन्ने और भी जीडिया इनका जे वॉलंटियर्स न, इनकी ड्यूटी है कि इन्हें इन्हें भी तुम्हें गाइड करना, इन्हें भी तुम्हें मदद करनी। जियाँ तुम कुछ राशन कार्ड बनाना होंगे तो कुछ को जाना पौता, पहले राशन कार्ड बनाने कुछ को जाना पौता, पता तुम नहीं पता? पता अगर नहीं पता है तो इन्हें लोगों पूछा भी असर राशन कार्ड बनाना, ये साढ़े पैरा लीगल जो वॉलंटियर्स जहाँ हरीश होर जो बैठे न, इन्हें पूछना, इन्हें तुम्हें परेशान कर लिया उनके कहना कि असें राशन कार्ड बनाना, असं कुछ जाना, ये तुम प्रॉपर जगह ले जाए गए और दरखास्त भी लिखना पी जाए तो तुम खुद दरखास्त लिखी देनी है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है नहीं सरकार तनखा दी है। राशन कार्ड बनाने टीएसओ जाने पौधा, टीएसओ जानते कौन होंगे? तो टीएसओ होंगे तहसील सप्लाई ऑफिसर, जो आटा चौल बेच दिता बेचता नहीं है, दिता ही मुफ्त सरकार की तरफों पैसे लेंदे सरकार पर लेकिन उठाते उन्हें को जाना, उसे दरखास्त देनी, उन्हें फिर तुम्हें गाइड कर देना भी ये लिया। फार्म होंगे एक फार्म भरना पौधा, उस फार्म में तुम अपने फैमिली मैंबर के नाम लिखने पौधे, फिर वो ऑनलाइन होंगे सिस्टम अजकल ऑनलाइन है, इस तरीके सारी अगर नहीं तुम्हें पता तो इनकी ड्यूटी बनती है तुम सिखाओगे, क्योंकि असेंगे सरकार ने फीस देनी है। ये जी स्कीम बनी है काफ़ी चिर स्कीम बन रही है लेकिन सारे लोगों फायदा नहीं मिला, फायदा क्यों नहीं मिला था कि पता नहीं है, उस स्कीम का पता नहीं कि स्कीम है कि मिलनी है। और तुम साढ़े हर साल के नौ नवंबर की एक बड़ा मेगा लीगल कैंप लगता बड़ा, उसके लोगों को सिखाया जाता, कई बार कोर्ट च लगता कई बार कुछ इलाके लगता, इस बार भी वह लगने कैंप लगने न, अगर थोड़ा लागे बलागे लगे हुआ है उत्थे जाना, उत्थे काफ़ी लोग कट्ठे होते कानूनी माहिर और सिखाते बारे में कि हों किस तरीके ने इसकी लेनी है सहायता लेनी। और सहायता लेने का तरीका की है, जो थोड़ा कोर्ट च केस है जहाँ कोर्ट च केस करना, तुम एक दरखास्त लिखनी, एक फार्म होंगे साढ़ा एक महकमा बनता है बाबू रीन को फार्म होंगे, वो फार्म भरी देना नहीं कि मैं केस करना है या मेरा फलाना केस है तो फलाना भी वकील किया। अगर अब्बल तो इन्हें करना कि अस रिटेनर लाए असें साढ़े को देना केस, असें केस देना, जे तो असें केस नहीं लड़ना होगा तुम आखो कि नहीं ये वकील जो मिली देते या वकील ठीक नहीं तो फिर ये तुम्हें पैसे उन्हें उस जो अपनी मर्जी का वकील तुम करके उन्हें पैसे दे सकते, गल ठीक है, तुम अपनी मर्जी का कोई वकील करके तो उन्हें फीस देनी गौरमेंट ने देनी। थोड़ा खास करके लेडीज वास्ते गौरमेंट ने यह ज्यादा प्रोविजन रखा कि थोड़ा सा फ्री वकील है, तुम जिसल भी आओ ऐसी कोई नौबत आती है तो थोड़ा सा वकील जो मिली सकते वकील फ्री। और फीस भी अगर नहीं तुम्हें वकील करना अपनी मर्जी का करना पेमेंट देनी है तो गौरमेंट उसे पैसे भी देगा जज दे। और जज ने की ड्यूटी है उस वेल्ले जज कि उन्हें तुम्हें जे तो तुम्हें ऐसा खतरा है जिंदगी का तो उन्हें कमरा ले देना घर आए डायरेक्ट करना तो कमरा ले दौ किराए पर कमरा ले दौ और उत्थे रहेगा रहेगी
और इसी खर्चा भी तो पूरा दोना घर वाले हा मतलब वो ऐसे ऐसे कानून तो ऐसे बने ना लीडियस है पहले बड़े लंबे चौड़ा सिस्टम था कि बड़े मुकदमे तो उल्टी चीजें भी लिखता था अजकल इमीडिएट रिलीफ है और तुम्हें जी बिल्कुल फ्री लेडी आस्तै फ्री है कोई कानूनी सहायता ले सकते हो।